अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी का ढेबरा। तो इसको हम मक्की के आटे से बनाने वाले हैं। इसमें बाजरी का आटा इस्तेमाल होता है और मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मक्की के आटे से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितना मेथी लिया है और उसको अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर आटा लिया है, तो मैं सिर्फ दो ही बनाऊँगी। तो मैंने 2 रोटी जितना आटा लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर नमक और हल्दी और गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब ले लिया है। और अब हम इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। तो इसकी जगह ना आप हरी मिर्ची भी ले सकते हो पेस्ट बना के, तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची ली है। और उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा मोयन ऐड करूँगी, तेल का थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है मैंने। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी मेथी की पत्तियों को ऐड कर दूँगी। तो मेथी मैंने बहुत सारी ली है, मुझे सिर्फ दो बनाना है। और उसमें मैंने करीब 500-600 ग्राम जितना मेथी लिया है, तैयार किया हुआ तोड़ा हुआ। तो जितना मेथी रहेगा ना उतना अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी मेथी ली है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं की है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और हाँ, मेथी आप लोगे ना तो आपको मेथी कट नहीं करनी है। आप पत्तियाँ पत्तियाँ लोगे तोड़ने में, तो फिर वो जो पत्तियाँ रहेगी ना उसको काटना नहीं है, क्योंकि काटेंगे ना हम तो उससे ना कड़वा कड़वा फ्लेवर लगता है, मतलब कड़वापन लगता है। तो आप कभी भी मेथी को कट मत करना। मतलब आप पराठा बनाओ, वड़े बनाओ, भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ मेथी का, तो उसमें मेथी को कट मत करो, तो कड़वा नहीं लगेगा। और ये जो हमारी मेथी है इसी में हम आटा गूंदेंगे ना, तो ये ऐसे ही हमारा सब टूट जाने वाला है। आटे में मिक्स होते होते सारी मेथी टूट जाने वाली है, तो हमको काटने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं पानी ले लेकर अपना आटा गूंद रही हूँ। और यहाँ पर हम आटे को गूंद लेंगे। और मतलब मैं तो हाथ से ही बनाने वाली हूँ इसको। अगर आपको नहीं आए तो आपको मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। इसको जितना गेहूं का आटा होता है ना, हम रोटी बनाने के लिए जितना ढीला आटा रखते हैं उतना ही करना है। पराठे जितना नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे ये आगे नहीं बढ़ता अगर इतना टाइट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लोई बना ली है। और अब हम मैं अपने हाथों में पानी लगाऊंगी और पानी से ही ये रोटी बढ़ती जाती है। अगर हम पानी नहीं लेंगे ना तो ये ना अपनी हथेलियों में चिपकने लगेगा आटा, और फिर हमारी रोटी वहीं की वहीं रहनी है, टूट टूट करेगी वो। पानी रहेगा हाथों में तो ये आगे बढ़ती रहेगी आसानी से। तो अब मैं यहाँ पर हाथों को पानी लगा कर और इसको रोटी को आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं हाथों से ही बनाऊँगी इसको, मुझे आता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको मोटा भी रख सकते हो थोड़ा, और एकदम पतला भी कर सकते हो। लेकिन मुझे मक्का की भी रोटी होती है ना, तो वो एकदम मोटी अच्छी नहीं लगती, पतला होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल पतला बनाऊँगी। और इसको बिल्कुल ध्यान देते हुए, अगर हमारा आटा अगर हथेली में लगता है तो फिर हम थोड़ा सा पानी और लेंगे, और इसी तरह से इसको हाथों की मदद से आगे बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पर मेरी रोटी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर कहीं कहीं टूट भी रही है, लेकिन वो जो तवे में हम डालेंगे ना, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि ये सही कैसे करना है। तो यहाँ पर अब मेरा तवा गर्म हो गया है। और मैं इस तरीके से तवे में रोटी इसके लिए डालती हूँ क्योंकि जो मक्का की रोटी होती है ना, उसको हम जब तवे में डालते तो वो बीच में से फूल जाती है, और फिर हम पलटाएंगे ना तो वो थोड़ा सा लाल लाल दिखने लगता है। तो इस तरीके से अगर हम डालेंगे तो हमारी रोटी आसानी से डलेगी, और इसमें जो फूल जाती है ना बीच में से, वो फूलेगी भी नहीं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको जो भी हमारे एक दो जगह से फट रही थी ना, तो उसमें मैंने पानी ऐड किया थोड़ा सा हथेली में, उंगली में, और उससे उसको जॉइंट कर दिया। तो इसके बाद हमको पलटाना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये बहुत पतला बेला है ना, मैंने बहुत पतला बनाया है। तो इसको आसानी से पलटाना है ध्यान देकर, कहीं ये टूट ना जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर घी लगाते हुए इसको सेक लेंगे। तो सर्दियाँ बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा घी का क्या हाल हो रखा है आप देख सकते हैं। और इसको मैं गरम गरम रोटी पे भी रख रही हूँ, तब भी ये पिघल नहीं रहा है। इतना मतलब सर्दी है कि मैं इसको थक चुकी हूँ कि ये पिघल जाए और सब रोटी पर फैल जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अगर आप ध्यान देना, और हाँ, अगर आपको हाथ से बनाते नहीं आती है ना रोटी ये वाली, तो आप क्या करते हो, जब वो लोई बनाई थी ना उसके बाद उसको हम एक पन्नी लेंगे। तो पन्नी ये जो नॉर्मल होती है ना, जो सब्जियों को हमको रख के देते हैं बिल्कुल पतली वाली, वो पॉलीथीन आप ले सकते हैं। और उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर उसके ऊपर वो प्रेस करते करते हमारी ये जो ढेबरा है ना, आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसी तरह से इसको हमारे जो ढेबरे, तो
हमारे मेथी के ढेबरे यहाँ पर बनकर तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक।